हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। इसमें जो क्वेश्चन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन पे डिपेंड है। इनवर्सली वैल्यूज याद है इसकी वैल्यूज। इनवर्सली का मतलब होता है एक वैल्यू को हम बढ़ाए तो दूसरी घटे, अगर पहले को हम घटाए तो दूसरी बढ़ रही है और पहले को बढ़ाए तो दूसरी घटे। जैसे इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने किया था डायरेक्टली वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू को हम अगर इंक्रीज कर लेते तो सेकंड भी इंक्रीज हो जाती और हर कंडीशन में सेम रेट से इंक्रीज हो जाती। और इनवर्सली में सेम रेट से वो क्या होगी डिक्रीज, अगर एक इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी डिक्रीज होगी, रेट क्या रहेगी सेम। तो जब हमने डायरेक्टली वाला क्वेश्चन किया था तो हमने उन वैल्यूज का जो रेशियो था वो सेम आ रहा था। जो दो वैल्यूज डायरेक्टली वैलेंस करते हैं उनका जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है। इसी तरह से इन्वर्सली में जो दो वैल्यूज इन्वर्सली वैलेंस करेंगी उनकी जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या रहेगी सेम। जैसे इसमें है अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स और वाई इन्वर्सली वैलेंस कर रहे हैं तब हमने मिसिंग वैल्यूज बताया, तो फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। अगर ये इन्वर्सली वैलेंस कर तो इन दोनों वैल्यूज की जो प्रोडक्ट है एक्स और वाई की 3 और 10 30 बनेगी, इसका मतलब आगे जो प्रोडक्ट आएगी वो भी क्या होनी चाहिए 30, तब ये इन्वर्सली वैलेंस है। तो इसमें हम इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे ए पार्ट फर्स्ट का, तो हम लिखेंगे 3 × 10 इक्वल x1 × 5 इफ एक्स एंड वाई वैल्यूज इनवर्स, इफ एक्स एंड वाई वैल्यूज इनवर्स। अगर ये इनवर्सली वैल्यूज करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी अपने पास, तो यहां से एक्स वन निकालोगे तो 5 को डिवाइड भी ले आएंगे 3 × 10 5 डिवाइड कर रहे हैं और ये वैल्यू आ जाएगी एक्स वन। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो बहुत सारे दोनों वैल्यूज को 5 और 10 को 5 से डिवाइड करें तो ये 1 और ये, और आगे प्रोडक्ट 4 × 3 = 6 एक्स वन की वैल्यू क्या जाएगी 6। यही जो प्रोडक्ट है अपने पास 3 × 10 इससे एक बार भी होनी चाहिए एक्स और वाई की, तो बाकी दो वैल्यू दिखा रही है इसमें 15 और वाई बन गई, इसका मतलब ये 30 प्रोडक्ट बन गई। तो आगे भी एक्स और वाई की जो वैल्यू जाएगी उनकी प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए 30, तो अपने पास 15 और वाई बन गई एक्स और वाई की 15 इसको इस साइड में आगे डिवाइड करेगा और डिवाइड करेगा तो टू आ जाएगा, बोथ साइड 15 से डिवाइड कर दे तो इसको डिवाइड करेंगे तब तो 2 बन जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। और 30 ही प्रोडक्ट इन एक्स और वाई के लिए यूज की होनी चाहिए, 30 = x2 × 16। अब बोथ साइड अगर 30 से डिवाइड कर दे तो ये 1 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। अब बोथ साइड अगर 2 से डिवाइड कर दें तो एक्स को अकेला बन जाएगा इस साइड, और इस साइड में 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 और इस साइड में एक्स, इसका मतलब एक्स टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो इनवर्सली में हम जो दो नंबर्स इनवर्सली वैल्यूज करते हैं उनकी प्रोडक्ट ऑलवेज कॉन्स्टेंट निकालते हैं और डायरेक्टली में उनका रेशियो ऑलवेज कॉन्स्टेंट निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू को और 7 दिखा रहे हैं और ये इन्वर्सली वैलेंस करते हैं, इसलिए इनकी प्रोडक्ट क्या रहेगी इक्वल। तो फर्स्ट कंडीशन में एक्स और वाई की वैल्यू है 2 और 7, अगले वाले में है 4 और 5, इसका मतलब 2 और 7 की जो प्रोडक्ट है 4 × y1 होना चाहिए इफ एक्स एंड वाई वैलेंस इन्वर्सली, तभी कंडीशन बन बोथ साइड 2 से डिवाइड करते तो ये 1 बन जाएगा और ये 2 से डिवाइड हो गए y1 के लिए निकालेंगे तो और फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो ये 7/2 हो जाएगा और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ओनली y1 बचेगा अपने पास, इसका मतलब y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2 अगर x और y दोनों किस टाइप से वैलेंस करते हो इनवर्सली। दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो 2 और 7 की जो प्रोडक्ट है 14 ही प्रोडक्ट ये बननी चाहिए एक्स वन और
45, बोथ साइड से हमसे डिवाइड करोगे तो यहाँ बच जाएगा और यहाँ से हमसे डिवाइड करोगे तो 5, फिर बोथ साइड अगर 5 से डिवाइड कर दे तो ये 2/5 हो जाएगा और यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो ओनली एक्स वन बन जाएगा, तो एक्स वन की आ जाएगी 2/5 और यही प्रोडक्ट इनकी भी होनी चाहिए, 2×7 इसके भी पर होना चाहिए 40 और वाई टू की प्रोडक्ट के। अब इसके बोथ साइड से हमसे डिवाइड करोगे तो ये 1 और ये, फिर बोथ साइड अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 और ये 1, इस साइड में 1 और 1 की प्रोडक्ट 1 और इस साइड में 1 और वाई टू की प्रोडक्ट वाई, वाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 1। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है 56 मैन स्पेंड टाइम इन 42 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज विल 168 मैन स्पेंड द सेम वार, एक वार का पेंट करना है तो स्टार्टिंग में उस पे 56 मैन वर्क कर और वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है 42 डेज। अगर हम किसी काम में ज्यादा आदमी लगाएं तो काम जल्दी हो, इसका मतलब हम नंबर ऑफ मैन यानी वर्कर्स की जो काउंटिंग है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो जितने दिन में काम कंप्लीट होना था वो नंबर ऑफ डे डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, तो ये किस टाइप से वेरिएंस कर रही है, दोनों वैल्यू इनवर्सली, और इनवर्सली करेंगे तो जो वैल्यूज होती है उनकी प्रोडक्ट जो भी थिंग्स है अपने पास उनकी प्रोडक्ट इक्वल होती है। हियर सेकेंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज, जितने दिन में वर्क हो रहा है वेरिएंस इनवर्स, इन 90
minutes. If the same sari is to be embroidered only in 15 minutes, then find the number of extra women required. कितनी women extra required होगी? तो जैसे साड़ी बनानी यहाँ पे हम मानते हैं कि साड़ी को बनाने में एक औरत लग रही है और वो उसको 5 घंटे में कंप्लीट कर रही है, तो अगर दो लगाएंगे तो 2.5 घंटे में हो जाएगा कम, क्योंकि दो वुमेन्स तो एक के मुकाबले में डबल काम करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ वुमेन्स जो वर्क कर रही है, अगर हम की काउंटिंग बढ़ा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ मिनट्स या आवर्स है काम करने के वो घट रहे हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स जिनमें वर्क हो रहा है वो और जो नंबर ऑफ वुमेन्स जो वर्क कर रही है दोनों इनवर्सली वेरीज कर रही है, क्योंकि एक की काउंटिंग अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की क्या हो रही है कम हो रही है। नंबर ऑफ वुमेन्स टू वर्क एंड टाइम इज वेरीज इनवर्स। हमने मान लिया कि एक्स वुमेन्स और एक्स्ट्रा चाहिए, तो नंबर ऑफ वुमेन्स और थ्री टाइम में वर्क कंप्लीट हो रहा है दोनों इनवर्सली वेरीज कर रहे, इसलिए दोनों की प्रोडक्ट्स यूज होगी इक्वल में। यहां लिखना था हमने नंबर ऑफ वुमेन्स बढ़ा रहे, तो जो नंबर ऑफ डेज थे जिनमें काम कंप्लीट होना था उनकी
इसका मतलब नंबर ऑफ डेज इन विच वर्क कंप्लीट एंड नंबर ऑफ लेबरर्स वेरीज इनवर्सली, दोनों जो है वो इनवर्सली वेरीज करता है। और टाइम बढ़ाएंगे तो ज्यादा टाइम कम स्पीड में लगेगा,
इसका मतलब हमने डिस्टेंस की बजाय क्या करना था, यहाँ पे स्पीड, स्पीड पे लगा था। स्पीड और ये है किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग में जो स्पीड थी वो थी 65 किलोमीटर पर आवर, और इसमें टाइम लग रहा था स्पीड से 10 आवर्स। फिर उसने कहा इफ द सेम जर्नी इज टू बी कंप्लीटेड इन 13 आवर्स, अब टाइम लगाना हमें 13 आवर्स, then what will be the speed of the bus? Speed बता दी, और स्पीड को क्या मान लिया x। तो ये दोनों चीजें स्पीड और जो टाइम है वो इस टाइप से मैनेज करते हैं इनवर्सली। तो क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है, और स्पीड कम होती है तो टाइम में ज्यादा लगता है, इसलिए ये किस टाइप से मैनेज हुए इनवर्सली। और इनवर्सली में हम प्रोडक्ट इक्वल लिखाते हैं, तो यहाँ से 65 और 10 के प्रोडक्ट इक्वल दिखाएंगे x और 13। बहुत साइड 13 से डिवाइड करोगे तो ये 1 और ये 5, 50 आ जाएगी। इसका मतलब अगर उसी डिस्टेंस को हमने 13 आवर्स में कंप्लीट करना हो तो स्पीड क्या रहेगी, 50 किलोमीटर पर आवर। और जब 10 आवर्स में कंप्लीट करना था तो स्पीड क्या थी, 65 किलोमीटर पर आवर। फाइव क्वेश्चन हो गए, सिक्स चैप्टर। सिक्स में है देयर वाज नो स्टॉक ऑफ फूड, फूड का कुछ स्टॉक है नहीं, और 45 गर्ल्स फॉर 60 डेज, जिसको 45 गर्ल्स कंप्लीट ईट हो सकता है उनका 60 डेज। इन ए हॉस्टल सम गर्ल्स मूव आउट ऑफ द हॉस्टल, कुछ गर्ल्स बाहर निकल गई हैं अपने पास हॉस्टल से, एंड द सेम फूड लास्टेड फॉर 100 डेज, और अब फूड कितने दिन चल रहा है 100 डेज। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु रिमेन इन द हॉस्टल, अब हॉस्टल में कितनी बची, तो अब मान लेते हैं कितनी बच रही है x। नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह लिखिए
एक्सकल्सन और आप हम कितने दिन के लिए है इससे के अकॉर्डिंग एडवर्टेंस इन्वर्सली वैरीज करेंगे तो प्रोडक्ट ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स तो इनकी प्रोडक्ट नहीं कर रही है जो दो चीज अपने पास इन्वर्सली वैरीज कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट इन्हीं गर्ल्स की और नंबर ऑफ डेज 45 और 60 की प्रोडक्ट एक्स इंटू 100 डे बोथ साइड अगर 10 से डिवाइड करवा दो तो एक 0 हट जाएगा 5 से डिवाइड करवाओगे तो ये 2 बन जाएगा और 5 से डिवाइड होगे 9 और फिर बोथ साइड अगर 2 से डिवाइड कर लें तो ये 1 और ये 3 और 3 और 9 की जो प्रोडक्ट है वो 27 ये एक्स मिलेगा इसका मतलब आप हॉस्टल में कितनी है 45 की बजाय 27 तब फूड जो है 45 की बजाय कितने दिन तक चल रहा है 100 डेज पहले 60 था पहले 60 डेज के लिए था आप कितने दिन चलेगा वही 100 डेज अगर गर्ल्स की संख्या कम हो जाए ये था क्वेश्चन नंबर 6 7 है इफ 88 काउस हैव ग्रेज्ड इन फील्ड इन 36 डेज इन हाउ मेनी डेज विल 12 काउस ग्रेज द सेम अगर खेत में घास खाने के लिए हम ज्यादा गाय छोड़ेंगे तो वो जल्दी खेत खत्म हो जाएगा घास का और अगर हम कम गाय छोड़ेंगे तो ज्यादा देर में खा पाएंगे इसका मतलब जो नंबर ऑफ काउज है ग्रेजिंग वो और जो ग्रेजिंग टाइम है वो दोनों इनवर्सली वेरीज करेंगे क्लियर नंबर ऑफ डेज इन विच काउ ग्रेज द फील्ड एंड नंबर ऑफ काउज बोथ वेरीज जो फाइंड आउट करना है वो क्या है इसमें इन हाउ मेनी डेज नंबर ऑफ डेज विल 12 काउज रेज द सेम तो लेट इन एक्स डेज 12 काउज रेज द फील्ड स्टार्टिंग की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काउ है 88 और वो ग्रेज कर रही है उनको 36 डे फिर काउस की जो काउंटिंग है वो है 12 और नंबर ऑफ डे ग्रेजिंग मान लिए दोनों इनवर्सली वैरीज कर रहे तो ये दोनों वैल्यूज इनवर्सली वैरीज करेंगे तो इन दोनों में प्रोड है आगे वाले बोथ साइड 12 से डिवाइड कर दे तो ये 3 आ जाएगा 12 से डिवाइड होके और 3 से 6 को डिवाइड करवा लेंगे 3 के 8 के साथ 24 2 24 और 2 26 ये आ जाएगा एक्स के लास्ट है अराउंड साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर टू रीच स्कूल इन 20 मिनट्स 20 मिनट में स्कूल में पहुंचना है तो साइकिल की जो स्पीड है वो कितनी रहेगी 6 किलोमीटर पर व्हाट शुड हिज स्पीड बी इफ ही वांट्स टू रीच इन 15 मिनट्स अब वो स्कूल में कितने टाइम में पहुंचना चाहता है 15 मिनट्स में तो स्पीड क्या रहेगी इससे पहले भी आया था स्पीड और टाइम का स्पीड और टाइम दोनों कैसे वेरीज करते हैं इनवर्सली स्पीड एंड टाइम वेरीज
inversely. Let if Rahul reads his own in 15 minutes, then its wood speed is x kilometer per. नहीं मान ली अगर 15 मिनट में पहुंचना है तो x किलोमीटर पर. तो स्पीड किलोमीटर पर आ और यहां पे टाइम इन मिनट्स. स्टार्टिंग स्पीड थी 6 किलोमीटर पर एंगल का था 20 मिनट्स. फिर स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर है और टाइम एंगल से 15 मिनट्स. टाइम और स्पीड दोनों इन्वर्सली बैलेंस करेंगे तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है फर्स्ट टाइम पे और सेकंड टाइम पे क्या राइट से बोथ साइड 5 से डिवाइड करवा लो ये 3 आ जाएगा ये 5 से डिवाइड होके 4. फिर बोथ साइड 3 से डिवाइड करवा लो ये 1 और ये 4 4 8 प्रोडक्ट इस साइड पे 8 ये वैल्यू हो जाएगी एक्स. इसका मतलब अगर उसको 15 मिनट्स में पहुंचना है स्कूल में तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी 8 किलोमीटर.